नमस्कार, राजेश शर्मा देहरादून पीएनबी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है विवेक गुप्ता जी के निवास स्थान पर आए हैं। आज जो है श्री विवेक गुप्ता जी की 38वीं वैवाहिक वर्षगांठ है, तो इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विवेक गुप्ता जी ने अपने निवास स्थान पर निमंत्रण किया है। तो विवेक गुप्ता जी को शादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयाँ। शादियाँ तो एक बार होती हैं, लेकिन वर्षगांठ हर वर्ष मनाई जाती है, तो इसलिए एक बार पुनः विवेक गुप्ता जी को बहुत बहुत शादी की वर्षगांठ की शुभकामनाएं। चलिए, आप सभी का विवेक गुप्ता जी के निवास स्थान पर ड्राइंग रूम के अंदर वेलकम है। बहुत बहुत बधाई। देखिए, धीरे धीरे जो है सभी हमारे जो निवासी गण आना प्रारंभ हो गए हैं। ये देखिए, ये गुप्ता जी आ चुके हैं, धामी जी, काबा जी, भंडारी साहब आपका, ये देखिए सभी का, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए ये चलते हैं। ये देखिए सब बताओ सर। पूछ रहे हैं कॉकटेल का मतलब क्या होता है? कॉकटेल एक्चुअली गुप्ता जी लेते नहीं है ना, तो इसलिए जब कोई जो काम करता नहीं तो दूसरे को कैसे कराएगा? ये पूछना था, तुझे यही नहीं पता कौन सी चीज काम पूछनी होती है, ये सड़क पर पूछता तब वो बताता। गुप्ता जी आमंत्रित कर रहे हैं, चलिए आप जो है मिष्ठान ग्रहण करें। ये देखिए, ये मिष्ठान है हमारा, सारी चीज पूरे ग्रुप में सबसे पुराना साथी है। चलिए चलिए स्टार्ट विद करिए। आप सबसे निवेदन है कि 28 तारीख को आप 5:30 बजे मेरे घर में आना। वाह, 28 में मेरा मीनू वाला हुआ, इसकी जगह दूसरी चीज है। अभी जो है प्रदीप आनंद जी ने 28 तारीख के लिए हमें सभी को आमंत्रित किया है। इससे पहले जो है कल 24 तारीख है, और 24 तारीख को सिंगल साहब के यहाँ सुंदरकांड है शाम को 3:30 बजे, और उसके बाद फिर खाने की व्यवस्था है, बीच में जलपान भी है, जैसे जलपान कहा तो खाने की व्यवस्था भी है। तो अपना तैयारी से जाएं, आप तैयारी से जो है करें। हाँ चलिए, 45 हाँ जी, क्या बात है। अरे ये कॉल आप सोच रहे बच्चे ना, दो कदम बढ़ाने पड़ेंगे सर, मतलब जो हर चीज लेनी हो प्लीज कर लेंगे। जैसा नमस्कार, नमस्कार जी, थैंक यू। जी काबा जी, सेवन हो गया अपने विचार, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चाय के बारे में कुछ बता रहे थे आप, चाय जो है बहुत ही स्वाद बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चाय पत्ती चीनी का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही परफेक्ट है। चलो थैंक यू। भाई जो है भाभी जी के हाथ की चीनी किसी को कम, भाभी जी के हाथ की चाय जो है बहुत पसंद आ रही है लोगों को, बहुत हल्की लड़के की है ना, लड़की की थोड़ी ना, लड़के में क्या है, कुछ भी नहीं। अच्छा, और क्या भैया, आजकल दोनों में बहुत गुप्ता, इधर आ जा रहा है,
हाँ उधर मत बैठो यार, फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे को, मेरे पे वो आएगी ना बात, जो जैन साहब की फोटो नहीं आई। हाँ वही ना, चलिए देखिए सभी हमारे साथियों ने जलपान का सेवन कर लिया है और अब हम जो है बस जो है लास्ट में गुप्ता जी को एक बार फिर जो है शादी की वर्षगांठ की बधाई देते। भाभी जी के साथ भी स्नेप रह गया है, लेकिन हम अनुरोध करेंगे अग्रवाल जी से, कृपया दो शब्द कहें। श्री अग्रवाल जी, गुप्ता जी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो, भाभी जी को भी बधाई। थैंक यू सर। और रिटायरमेंट से पहले सर्विस में तो उतना टाइम अब लेते नहीं निकाल पाते थे, और मुझे लगता है कि जितना मैक्सिमम टाइम अब रिटायरमेंट के बाद पार्टनर एक दूसरे को जो दे पाते हैं तो उसके लिए, और मैं शादी के अभी हमें और बहुत सारी इनकी एनिवर्सरी में आने का मौका मिलेगा, ऐसे भगवान से हम दुआ करेंगे इन सब शब्दों के साथ। बहुत बहुत बधाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी को शादी की वर्षगांठ की। हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छी परंपरा शुरू हुई है एक बर्थडे पर वेडिंग एनिवर्सरी पर सबको बधाई देने का। हाँ इस बहाने आपस में मिलना हो जाता है, मिलजुल लेते हैं। इतना कभी हमने सारी जिंदगी में हमारे बर्थडे में कोई नहीं आया। बहुत बढ़िया बात, अच्छा लगता है सब लोग आते हैं। हाँ सर, आप सब लोग आए और बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप लोगों के आने से ही इस दिन का जो है ना वो महत्व तो बढ़ जाता है। अकेले क्या मतलब कोई चीज जब तक भाई लोगों के साथ दोस्तों के साथ सेलिब्रेट ना की जाए तब तक उसका मजा ही नहीं है। तो इसकी इम्पोर्टेंस दिन की तभी है जब आप सब लोग आए इसके लिए। आपने शोभा बनाई, बहुत राजेश शर्मा जी के सौजन्य से अब जब ये प्रोग्राम हो रहे हैं तो सबके बच्चे लगभग किसी के अमेरिका में है, किसी के यूके में है, तो वहां तक भी ये सारी फोटो पहुंच रही है। बच्चे भी पेरेंट्स को कह रहे कि ये प्रोग्राम हम करते हैं, अभी जा जाओ एक दिन आओ। तेरा नाम लेने की चाहत हुई है हमें तुमसे, शायद मोहब्बत हुई है।